जितना अच्छा और यहाँ पे आरिफ नहीं है निकारा, इसीलिए तारक की सुधा की तरह प्राय उसको देख सकते हैं। और तारक की याद आ रही है आरिफ की कभी एक दूसरे के देखिए किस प्रकार से तड़प रहा है तारक। पिंजरे में कैद तारक, घर में खुला रहने वाला तारक आज पिंजरे में कैद हो गया है और ये तारक हमारे बिल्कुल पास आगे बिल्कुल नजदीक है। देख सकते किस प्रकार से बड़ा रूप पाते, इतने बड़े बड़े पंख, पहली बार हमने अपने आंखों के सामने से इतना बड़ा तारक देखा जीवन में और इसको हमारी तरफ क्या देखते बात करेंगे तुमसे। देखो देख गुस्सा हो गया, ये देखिए, ओ भाई ये देखिए गाइस, ये देखिए रात में फाइनली गाइस अभी हम लोग आ गए वापस पूरे 3 घंटे के बाद आए गाइस। ये देखिए बेचारा वेट कर रहा था बहुत देर से। ठीक है आ जाइए गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं 3 घंटे के बाद, फाइनली हम लोग आ गए। ये देखिए कितना प्यार कर रहा है भाई, नाराज गुस्सा हो गया, बोला हम नहीं बात करेंगे तुमसे। देखो देखो गुस्सा हो गया, बेचारा। और इस वक्त सारस को कैद कर लिया गया है। जी हाँ, ये वही सारस है, ये आरिफ का सारस है जो वहां पर आजाद था और अब कानपुर के चिड़ियाघर में इसे कैद कर दिया गया है एक पिंजरे में। जानते हैं क्यों इसको कैद किया गया? क्योंकि ये बार बार उड़ करके आरिफ को ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था। सारस जोड़े में रहते हैं और अगर ये जोड़े में ना रहे तो ये मर जाते हैं और ये बातें कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। सारस बार बार उड़ता है और अपने दोस्त आरिफ को तलाशता फिरता है। बहुत अफसोस की बात है कि एक आजाद परिंदे को कानपुर की चिड़ियाघर में कैद में कर दिया गया है, उसको बंद करके रखा गया है। आरिफ के सारस से जुड़ी लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे और कमेंट करके बताएं कि क्या ये ठीक है। सुबह से चाहे शाम हो जाए। देखिए आरिफ भाई अभी मोटरसाइकिल और उनका दोस्त सारस पक्षी उनके साथ देखिए कैसे उड़ रहा है। पहले तो थोड़ा उसने दौड़ा
आरिफ भाई। अरे भाई इधर पिक्चर